नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक कैसे चेंज करते हैं। डिजिटल माइक जो आता है उसे कई दोस्तों क्या करते हैं, जम्पर लगा के ठीक करते हैं, लेकिन आज हम जम्पर बिना जम्पर लगाए उसे ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप भी मैं फ़िलहाल जो माइक लगा हुआ है उसे निकाल रहा। सबसे पहले हम फ्री हीट लगाएंगे, ठीक है, और फ्री हीट लगाने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स इंसर्ट करेंगे, और फ्लक्स को इंसर्ट करने के बाद थोड़ा हीट करेंगे, और हीट करने के बाद वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो हम चिपिया की मदद से उसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये देख लो, मैंने इसे हटा दिया है और मेरी एक भी ट्रैक भी नहीं टूटी है। कई दोस्तों क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रैक भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों, बने उतना शांति से ही काम करना है। ठीक है, और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी स्पेयर पार्ट या कोई भी चीज़ लाओ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी वाली ही लाना। जैसे KDM है, वैसे कई सारी की आती है, बजवाड़ की आती है, और वैसे कई सारी है वैसे लेने। मैं अभी जो माइक डालने के लिए जा रहा हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले, मेरे पास जो है T12D है, ठीक है, तो T12D में मैं उसका टेम्परेचर रखूँगा 260। ठीक है दोस्तों, और 260 पे रख के उसे माइक के ऊपर भी सोल्डरिंग करूँगा, और नीचे भी, नीचे ज़्यादा नहीं लगाना है। सबसे पहले जो कंपनी का सोल्डर ऑन रहता है उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये देख लो, और दोस्तों बने उतनी अपने काउंटर पे साफ़ सफाई रखा करें, ताकि जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही फ़ायदा हमें ही है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं इसको मिंट कर देता हूँ दोनों को। ये देखो, थोड़ा मैंने फ्लक्स लिया, फ्लक्स ऊपर ज़्यादा नहीं लगाएं, ज़्यादा लगाओगे तब भी दोस्तों हमारा बिगड़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड है नहीं। जब मैं मार्केट जाऊंगा इस वक्त तो फाइनली मैं ट्राइपॉड लेके आऊंगा, ताकि ये जो वीडियो है उसमें आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है अच्छी तरह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमने दोनों तरफ से मिंट कर दिया है, अभी जो अंदर रहता है फ्लक्स कंपनी वाला उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और पूरा साफ कर देंगे। ये देखो, बाजू में मेरे पास पड़ी थी वहाँ पे लगी हुई, उसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ अपने ट्रैकों पे माइक वाली, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मिंट हो जाए और मिल जाए दोनों। और ये भी बात हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर पे ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाओ तो अंदर की जो ट्रैकें होती है वो सब कुछ निकल जाता है दोस्तों, और आपका माइक अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो, अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं इसको फ्री हिट दे रहा हूँ, ताकि अंदर जो ट्रैक है वो काफ़ी अच्छे से जुड़ जाए। ठीक है, अभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से हीट हो चुका है, और ये मैं इसको अभी ज़्यादा हीट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और ये देखो दोस्तों, अपने आप ही ये जा चुका है वहाँ पे जहाँ पे उसको जाना था, और ये काफ़ी अच्छी तरह से भी लग भी चुका है। तो अभी फ़िलहाल हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और इस बात का भी आपको दूसरी बात भी ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि इसको ज़्यादा पीसी भी लेके उसे साफ़ नहीं करना है, ब्रश नहीं लगाना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये देखो, अभी जो फ़िलहाल मैंने उसे लगा दिया है बिल्कुल कंपनी के जैसा ही लगा हुआ है, ना ही मैंने अंदर कुछ जम्पर लगाए हुए, ना ही कुछ टाके पिंडे लगाए है। दोस्तों मेरी सर्दी के कारण मेरी आवाज़ आज जैसी हो चुकी है, तभी मेरे दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप भी कुछ सीख पाए मेरी वजह से। तो अभी फ़िलहाल हम चेक करते हैं, हमारा फ़ोन अभी ऑन हो रहा है दोस्तों।
हेलो 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 हेलो